जनपद श्रावस्ती विकास खंड इकोना के अंतर्गत ग्राम सभा राजगढ़ गुलरिया के ग्रामीणों ने लगाया ग्राम प्रधान पर विकास न करने का आरोप। ग्रामीणों से जानकारी लेने के बाद में उन्होंने बताया कि लगभग दो प्रधानी हो जाने के बाद भी पुल्लर निषाद ग्राम प्रधान के द्वारा ग्रामीणों से कहा जाता है कि इस ग्राम सभा में कोई बजट नहीं है, बजट आने के बाद ही कोई कार्य होगा। वहीं ग्रामीणों की स्थिति पर अगर देखा जाए तो आने जाने वाले मार्ग पर कीचड़ और जल भराव रहता है। ऐसे में देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का कहना है कि स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, लेकिन ऐसी योजना पर पानी फेर रहे ग्राम प्रधान। वहीं देखा जाए तो ग्राम विकास अधिकारी ब्लॉक इकोना के उच्च अधिकारी ऑफिस में आकर चले जाते हैं। वहीं इन्हें गाँव की निगरानी करने के लिए सरकार तनख्वाह देती है, लेकिन यह लोग केवल प्रधान की उनके घर दरवाजे तक जाएंगे, फिर वहीं से जांच कर लौट आएंगे। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि विगत 8 सालों से इस रोड की स्थिति यही है। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा, टीवी भारती न्यूज चैनल मंडल संवाददाता। हम आए हुए हैं श्रावस्ती के ग्राम सभा में, जो कि कौना ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। अब देखना ये है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, मोदी जी का और योगी जी का कहना है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छता रहे हमारे देश में और स्वस्थ रहे हमारे ग्राम सभा और देशवासी। लेकिन यहाँ तो श्रावस्ती के राजगढ़ गुलरिया गांव में देखने को और कुछ मिल रहा है। आइए देखा जाए और गांव वालों से जानकारी ली जाए कि इस पर ग्राम प्रधान क्या क्या कार्य करते हैं। धन्यवाद। रोड ऐसे रहता है? ऐसे रहता है तो इसमें लोग मोटरसाइकिल लेकर और गिर जाते होंगे, साइकिल वाइकिल लेकर गिर तो जाते हैं बहुत से, टेम्पो नहीं निकल पाते है जल्दी, कहीं कहीं तो वो जाते हैं टेम्पो और लेके साइकिल वाले और मोटरसाइकिल वालों के क्या गिर जाते हैं, कहीं कहीं गिर जाते हैं। और क्या भैया? अच्छा, तो आने जाने में आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। प्रधान से आप लोगों ने कभी कहा? कहे बहुत बार, कहे मगर प्रधान कहा सुनते ही नहीं, प्रधान सुनते ही नहीं है। काली बीच गांव में सुनते, इधर नहीं सुनते। इधर अच्छा, बीच वाले गांव में सुनते हैं, इधर वाले में नहीं सुनते। इधर क्या कहते हैं? इधर का देखो, इधर देख के, इधर देख के चले जाते हैं। अच्छा, इधर देख के चले जाते हैं। बीच वाला गाँव रोड है। आइए दिखाएं रोड की स्थिति क्या है। इधर का खाली देख, ये देखो एक दादाजी आ रहे हैं, ये भी इसी गांव के हैं। घर इनका सामने है। आइए दादाजी से जानकारी ली जाए। दादा ऐसे हमेशा रहता है ये? तब तभी कब ना, हमेशा ना रहते, बरसे तक। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।